बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। वन क्लास टेक योर सिलेबस फाइल, ओपन योर पेज नंबर 2। आज हमने करना है सिलेबस ऑफ मार्च, यूनिट है हमारा इयादा। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह कितने हैं। जवाब, अल्लाह एक है। ओके किड्स, अल्लाह कितने हैं, अल्लाह एक है। अल्लाह ही हम सब का खालिक व मालिक है। अल्लाह वहदा ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। वही तमाम जहानों का मालिक है, उसने ही सारी दुनिया बनाई और हम एक अल्लाह की ही इबादत करते हैं। ओके किड्स, सवाल नंबर 2 है, अल्लाह का घर कहाँ है। जवाब, अल्लाह का घर खाना काबा मक्का में है। ओके किड्स, अल्लाह का घर कहाँ है, अल्लाह का घर खाना काबा मक्का में है। ओके किड्स, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना घर बनाया, इसे क्या कहते हैं, खाना काबा। और ये कहाँ है, मक्का में है। खाना काबा में मुसलमान हज उमरा की अदायगी करते हैं। ओके किड्स, अल्लाह का घर कहाँ है, अल्लाह का घर खाना काबा मक्का में है। सवाल नंबर 3, अल्लाह की आखिरी किताब कौन सी है। जवाब, अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक है। ओके किड्स, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। कुरान पाक एक इल्हामी किताब है, एक आसमानी किताब है, और कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है ता क़यामत तक। ओके किड्स, अल्लाह की आखिरी किताब कौन सी है, अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक है। और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ओके किड्स, आपने इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।